सुमित आगरा से है, आप कहाँ से रहते हैं आगरा में, आप बताइए। आगरा से 20 किलोमीटर आगे शमशाबाद। कौन सा एरिया? शमशाबाद। अच्छा शमशाबाद, ठीक है, हमारे पास भी है यहाँ पे लोकल में। तो कब से काम कर रहे थे आप? 10 साल से। 10 साल से कर रहे थे, तो अभी कैसा रहा 20 दिन का सफ़र? बेटर रहा। क्या कहना चाहेंगे 10 साल में और अब में 10-20 दिन गुजर गए हमारे यहाँ पे, कितना डिफरेंस आ गया? बहुत डिफरेंस आ गया पहले से। पहले मैं चार्जिंग पिन कॉम्बो वगैरह डालता था, आईसी को हाथ नहीं लगाया मैंने अभी तक। अब यहाँ पे आके मैंने आईसी भी रिवॉल्व की थी, ब्लैक पेस्टेड भी निकाला और व्हाइट पेस्टेड भी। अब ये बताओ चार्जिंग पिन आसान है कि आईसी लगाना निकालना आसान है? आईसी निकालना और लगाना आसान। वाह क्या बात है, एक बार क्लास कर दो इसके लिए। तो यहाँ पे ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, इनके लिए क्लास कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स आज एक और सोल्यूशन के साथ हाजिर है फोन फिक्स हैदराबाद की टीम, और मेरे साथ है सागर सर, और हमारे पास एक हैंडसेट है रियलमी सिक्स का हैंडसेट है, और इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ग्राफिक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरे साथ डीसी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है हैंडसेट को, चलिए इसको ऑन करके चेक करते हैं कि हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीसी के स्विचिंग के हिसाब से हमारा हैंडसेट ऑन हो गया है, और यहाँ पे लाइट वगैरह भी हम डाल के देख रहे हैं, डिस्प्ले क्लीन करके भी देखेंगे, किसी भी तरह का यहाँ पे ग्राफिक नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके बता दूंगा आपको, ये देखिए रियलमी वगैरह लिख के कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट हैंडसेट तो हमारा पूरी तरह से ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं, और वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। सबसे पहले यहाँ पे पीसीबी को हम फोल्डर से अलग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले का ये कनेक्टर है, क्योंकि लाइट और ग्राफिक दोनों का एक ही कनेक्टर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट साइड में जो पिने हैं वो MIPI लाइंस की सप्लाई वहाँ पे आती है, जहाँ पे हर पिन के बाद एक ग्राउंड दिया गया है, एक सप्लाई लाइन है, फिर एक ग्राउंड है, फिर सप्लाई है, एक फिर ग्राउंड है, जो कि 10 लाइन CPU से आती है, जिसे हम MIPI लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बता देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे हमको चेक करना है VSP और VSN, ये दो लाइनें होती हैं ग्राफिक की सप्लाई के लिए, जो पॉजिटिव 5 और -5 वोल्टेज बनाती है। इसके अलावा हमें रीसेट लाइन और टीयरिंग लाइन दोनों यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे हम पहले कूल टेस्टिंग करेंगे, और कूल टेस्टिंग करके चेक करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे हॉट टेस्टिंग करेंगे, और सेक्शन के पास भी जाकर देखेंगे। सबसे पहले कूल टेस्टिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी जो सप्लाई लाइन है वो लाइन ब्रेक तो नहीं है, लाइन शॉर्ट है, ये हमको कूल टेस्टिंग करने से यहाँ पे पता चल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कूल टेस्टिंग हम कर रहे हैं, और हम यहाँ पे जो हमें वैल्यू आनी चाहिए वो आ रही है, जो वैल्यू आनी चाहिए आ रही है। देखिए ये VSN की पॉइंट है, जिसको हमें रिवर्स बायस में चेक करना होता है, और रीसेट लाइन वगैरह भी सही है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो लाइन्स है सारे सही हैं, और इसके डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कितने नंबर पे कौन सा सप्लाई लाइन है। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स SM5109, ये ग्राफिक आईसी है 15 वोल्ट का, जिसे ग्राफिक बायस आईसी भी बोलते हैं। तो यहाँ से 2 वोल्टेजेस आउटपुट होते हैं, जो कि VSP और VSN। तो यहाँ पे आपको हॉट टेस्टिंग करके बता देते हैं कि यहाँ से जो वोल्टेज हमारा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम VPH लाइन चेक करते हैं, जो कि इस आईसी के लिए इनपुट सप्लाई होती है। इस आईसी को 4 वोल्ट देने होते हैं सबसे पहले, तब जा कर के ये +5 और -5 दो वोल्टेजेस ये आउटपुट निकालती है। तो चलिए इस आईसी के पास हम चेक कर लेते हैं, और इसके लिए वोल्टेजेस को चेक करने के लिए फ्रेंड्स आपको हैंडसेट को ऑन करना होता है, क्योंकि बंद कंडीशन में तो सिर्फ VPH मिलेगा, लेकिन अब जब आप हैंडसेट को ऑन करते हैं तभी जाकर के आपका VSP और VSN हमको वहाँ पे चेक करने को मिलेगा, अदरवाइज आपको सिर्फ VPH लाइन ही वहाँ पे VPH का ही वोल्टेज मिलेगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप DC में हैंडसेट हमने ऑन कर लिया है, और डिस्प्ले हमारा लगा हुआ है, डिस्प्ले के पत्ते के साथ लगा होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा निकल गया है लूज़ कंटेक्ट होने की वजह से। जब आप काम करेंगे फ्रेंड्स इसी तरह से आपको काम करना होगा, तो स्टेप्स देखिए कैसे काम कर रहे हैं।
और कहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये Realme 6 का हैंडसेट है जो कि लेटेस्ट मॉडल ही है, बट इसमें जो IC यूज़ की गई है 15 बॉल की ग्राफिक IC यूज़ की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी SM5105, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ LCD में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये VPH वोल्टेज यहाँ पे इन हो रहा है इस IC के लिए, और यहाँ पे पॉजिटिव 5 देख सकते हैं आप, 5.5 वोल्टेज बन रहा है। और लेफ्ट साइड में जो कॉयल लग के फ्रेंड्स और जो कैप है, यहाँ पे आपको -5 का वोल्टेज आना चाहिए, जहाँ पे -0.12 इस तरह का वोल्टेज आ रहा है, यानी पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। शॉर्टिंग तो यहाँ पे है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी कूल टेस्टिंग हमने कर ली है। तो इस IC से सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज बन रहा है 5, जिसको हम VSP बोलते हैं, लेकिन VSN यहाँ पे नहीं बन रहा है। कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं है, कोई रजिस्टर मिसिंग नहीं है यहाँ पे, सब कुछ सही है, कोई शॉर्टिंग वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं SM5109, ये एक ग्राफिक बायस IC है 15 वोल्ट का। इसके जगह हम LUB दूसरी IC जो आती है ग्राफिक 15 वोल्ट की, जो कि अलग अलग नाम लिखा होता है, वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फॉल्ट ये मिला कि -5 का वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं 15 वोल्ट का ग्राफिक बायस IC। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स हम IC में लगा लेंगे, और उसके बाद इस IC को निकालेंगे और किसी और दूसरे स्क्रैप बोर्ड से एक IC को उठाएंगे और इसमें लगाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। कैसा एक स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक प्रॉपर नॉलेज के लिए आपको ज्वाइन करना होगा फ़ोन फिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट बैच हमारा 5 मई से है, जिसमें लिमिटेड सीटें हैं। आज ही अपनी सीट बुक करा लीजिए अगर आपको एक प्रोफेशनल वे में काम करना है। दोस्तों हमारे यहाँ पर टूल्स जितने भी आपको दिए जाते हैं, सारे के सारे ब्रांडेड टूल्स दिए जाते हैं काम करने के लिए, और हर बच्चे को हम सर्किट डायग्राम की नॉलेज देते हैं, ताकि जा करके वो अपने शॉप में अपनी समझ के अपने से मोबाइल बनाएं। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 15 बॉल का ग्राफिक IC है। एक एक बॉल में कहाँ पे इनपुट हो रहा है, कहाँ सिग्नल आ रहा है, कहाँ पे I2C लाइन आ रही है, कहाँ पे इनपुट वोल्टेज हो रहा है, एक एक बॉल का GR बनाने हम लगाते हैं। जैसा ये ग्राफिक IC हो जाए, या लाइट IC हो जाए, या फिर चार्जिंग IC हो गई, या कोई भी IC हो गई, उसकी जगह पे कौन सी दूसरी IC डाल सकते हैं, ये आपको नॉलेज हम देंगे क्लास के अंदर। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं LUV 0, ये वाली IC 15 बॉल ग्राफिक IC है, तो ये Redmi 5A में से हम उठा रहे हैं। तो ये IC हम लगाएंगे Realme 6 के हैंडसेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें से ये IC निकाल लेंगे, और निकाल करके डायरेक्टली हम विदाउट रिवॉल्व किए Realme 6 में हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करेंगे, हमारा सपोर्ट आपको देंगे, आपके साथ जुड़ के रहेंगे। लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है हमारे यहाँ पे, रहने के लिए रूम फ्री होता है आपको, और इंडिया में सबसे कम फीस हमारी है, बेस्ट ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, जो बच्चे जाकर के बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप बड़े बड़े नाम मत देखिए, बड़े बड़े शहर मत देखिए, ये देखिए कि स्टूडेंट जाकर के अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बच्चे जाकर के काम कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट फेसबुक पे जाइए और जाकर देखिए, डेली हम लाइव पोस्ट डालते हैं उनके, जो डेली वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, IC लगाने से पहले आपको नोज कट पॉइंट का ध्यान रखना है कि इसका एक नंबर पिन कहाँ पे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम IC को सेट कर लिए है, और इस IC को लगाते हैं, और लगा करके वापस से चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस IC को हम लगा लेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे और अच्छे से बॉल कनेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपका ग्राफिक नहीं आएगा। और हम इसको रिवॉल्व भी नहीं किए हैं, सेम उठा करके उसमें से इसमें डाल रहे हैं। तो ये सब करने के लिए आपको हैंड स्किल बनाना होगा, आपको एक अच्छा वे में आपको अपने
हैंड की प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि हमारे यहाँ पे 8 घंटा आपका हैंड स्किल का हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों से, छोटे से लेके हर बड़ी बड़ी आईसी, छोटी छोटी आईसी, चाहे जितना भी सीपीयू हो या छोटा सा 4 बॉल का एलडीओ हो, सब कुछ आपको हम रिबॉलिंग सिखाएंगे, आईसी लगाना, उठाना, क्लीन करना, चाहे ब्लैक पेस्टेड हो, चाहे वाइट पेस्टेड हो, चाहे डोल डेकर हो, सब कुछ आपको बताएंगे कैसे काम करना है। आईसी लगाने के बाद में पास में हम शॉटिंग चेक कर लिए, कोई शॉटिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका डिस्प्ले डैमेज हो सकता है या डिस्प्ले आईसी डैमेज हो सकता है या सीपीयू डैमेज हो सकता है, क्योंकि एस आईसी में I2C लाइन वगैरह भी आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वापस से डिस्प्ले लगा लेते हैं और लगा करके चेक करते हैं। हमारा ग्राफिक आता है कि नहीं आता है, चलिए चेक करते हैं, क्योंकि हमारे डायग्नोस के हिसाब से इस आईसी का फॉल्ट था यहाँ पे, जो कि -5 नहीं बना रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ग्राफिक का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, रियलमी का लोगो आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फाइंड आउट किया। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, और फ्रेंड्स एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनने के लिए जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद के साथ। नेक्स्ट बैच 5th मई से है, सीट बुक कर लीजिए। दिल्ली में कहाँ से हैं आप रामलाल? यूपी नोएडा से सर। यूपी नोएडा से हैं जी। तो आप लेके आए उनको, तो आप यहाँ पे क्यों चूज़ करें? दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ नहीं गए, यहाँ पे क्यों आए भैया? सर हम लोगों ने कई वीडियो देखा यूट्यूब में, तो आपका भी देखा, सागर सर का भी और तौफीक सर का भी, तो इनका वीडियो आया था, मैथिली सर के जो पैड अभी बनाया ना, ऐप बनाया है, तो उन पर पहला वीडियो इनका गया था। अच्छा। तो मैंने देखा इनका समझाने का, मुझे अच्छा लगा, बेस्ट लगा, तो मैंने सोच के फिर यहाँ आ गया। अच्छा, जो सोच के आए थे मिला आपको? मिला। दुकान वगैरह है आपका? दुकान है, 5 साल हो गए सर। अच्छा, तो पहले में अब में कितना डिफरेंस आ गया आप में? बहुत आ गया, पहले तो डर लगता था आईसी वाईसी खोलने को, अभी कोई दिक्कत नहीं। कोई ऑन फोन का सीपीयू डालना हो, 4G का, कोई भी डाल सकते हैं, अभी निकाल सकते हैं, कस्टमर का ही आएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप, कैसा बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस कैसा आया? अभी इधर काम किया ना, तो अभी अच्छा लग रहा है, काम किया, हैंड स्किल हो गया हमारा। 20 दिन में यहाँ तक पहुँचा है आपको? अगर 2 महीने का अगर मैं टाइम दे दूँ, जाके प्रैक्टिस करो, तो क्या लेवल पे पहुँचेंगे? बहुत आगे पहुँचेंगे, अभी 80% है, 100% कोशिश करेंगे पहुँचने की। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश ही करना है, जाके सीखते रहना है, कहीं से भी आप एक आते इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते आप, तो मास्टर तो नहीं बनते, लेकिन तरीका और आइडिया और उसका बताने का तरीका अपने को सीखने मिल जाता कि जाके काम क्या करना है। कोई भी बच्चा है, सीखने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट से टीचर के जैसा तो बन के नहीं निकल सकता, लेकिन जाके मेहनत करके वो अपने लेवल पे कितना मेहनत करा उतना आगे जा सकता है ना भाई। तो कंपेयर तो करना है भी नहीं अपने को, लेकिन जो टीचर का बताने का तरीका है, तौर तरीका काम करने का, यही चीज तो लेने आए आप, यही क्योंकि पहले भी वही माइक्रोस्कोप था, अभी भी वही माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे हैं आप। हमारे पास है सब, है टूल्स, सब है, सब लेके सक्सेस नहीं हो पाता ना, लेकिन अभी हमने यूट्यूब में देखा तो उसमें समझ में नहीं आ रहा, पर अब करने को नहीं, अभी क्या हीट क्या है, हेयर क्या है, कुछ समझ में नहीं। यहाँ पे टीचर जब तक पीछे आपके घूम घूम के ठहर के बताते तब तो जाके आता काम, तब आता, तभी आता। तो कहीं ना कहीं एक टीचर के साथ, एक गुरु के साथ तो सीखना पड़ता, तो करना पड़ता है ना भाई। यूट्यूब से तो एक आइडिया लग जाता आपको, लेकिन सक्सेस तभी हो पाता जब किसी के पास ठहर के आप सीखते, है ना। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इनके लिए जोरदार क्लैप्स कर दूँ। थैंक यू। एक एक ही जगह फोटो लेना, ऐसा फोटो ले खोल के रखना। इसको शायद ऐसे होता रहने में।